टीम बहुत सपोर्टिव है, सबसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, प्रमोशन भी अच्छा चल रहा है। म्यूजिक का हमने देखा कि बहुत ज़्यादा म्यूजिक जो है अभी आगे आ रहा है, म्यूजिक कैसे एसोसिएशन है उसका भी? अभी बहुत सारे वीडियो एल्बम लाइनअप है हमारे, म्यूजिक की ही उम्र है म्यूजिक कंपनी के। अभी बहुत सारे गाने लाइनअप हैं, अराउंड 10 or 12 सॉन्ग्स आने वाले हैं जी। चल रहा है अभी बहुत कुछ जी, पता चलेगा आपको फिल्म पाइपलाइन में। हाँ पाइपलाइन जी। तो वही कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका पूरा फिल्म के दौरान? बहुत धमाल रहा, अनीश भाई ने बहुत अच्छे से एक एंकर की तरह फिल्म को संभाला। इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करना जी। उनके उनकी कमियों को छुपाना, उनकी अच्छाइयों को निखारना, उनके टेंट्रम्स को झेलना, ये बहुत बड़ी बात होती है एक नए डायरेक्टर के लिए जो बॉलीवुड में पहली बार काम करने जा रहे हैं जी। तो इट वॉज ग्रेट फन, और हम तीनों तो भाई की तरह थे, तीनों शाने जो हैं वी वर लाइक ऑल ब्रदर्स, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इतने सीनियर एक्टर्स के साथ जब काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ सेट पे सीखने को मिलता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मैंने इससे पहले अभी तक आपने यारियां हीरो बनती देखी, लेकिन मैंने कॉमेडी नहीं की थी अभी तक। सो दिस इज़ माई फर्स्ट कॉमेडी फिल्म, वेयर जैसा बोला जाता है कि एक्टर के लिए कॉमेडी सबसे मुश्किल होती है करना, तो वो लिखा इतना अच्छा था और प्लस हमारे जो गाने थे, हमारा जो BGM था वो इतना अच्छा था कि जब वो सब जुड़ के आया तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी एनहेंस हो गई इसकी वजह से। तो रियली होपिंग फॉर द बेस्ट फ्रॉम दिस।
बालाओं के बीच में आना पड़ेगा. थोड़ा अंदर हो जाना बेटा. एक चाय दो खारी अर्पित भाई सब पे भारी. ये भाई फोटो टेंशन में मत दो. देखो सब हंस रहे हैं मेरे बच्चे लोग. अनुप्रिया थोड़ा सी और अंदर हो ना बेटा. ओ सर थोड़ा सा ओके गुड़िया ऐसे हाँ थोड़ा सर ऐसे हाँ वेरी गुड. मायापुरी क्या मीडिया पार्टनर done. ए बच्चा यहाँ देखना फोटो क्यों खराब कर रहा है. शब्बीर भाई को ये रोल लिखना पड़ेगा एक कॉमेडी वाला. रोल डन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू मैम. यू लुकिंग सो ब्यूटी. थैंक यू सो मच. आपने बोल दिया इसका मतलब ये सच है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द थ्री शानी. मैं थ्री शानी को लेकर आप लोगों को यही बोलूंगी कि एक जन मतलब हम यंग जो यंग लेडीज के ऊपर एक मूवी बनी. उसमें फैमिली ड्रामा भी है लेकिन इसमें तीन ऐसे लड़के हैं जो हम जैसे लोग जैसे आप जैसे बनते उनको बहुत ही पसंद आएगी. शानी पत्ती देख के अपने गाने तो सुने ही होंगे ब्रांड एक्स के बहुत सुपर गाने हैं. अभी एक नया गाना और आएगा मीडिया ड्रामा उसको भी सुनोगे तो आप बोलोगे वाह यार ये भी बहुत ज़बरदस्त है वो. तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग टीम शानी जो है 27 को रिलीज़ हो रही है बहुत ही प्यारी मूवी है. कॉमेडी है ड्रामा है इसमें बहुत कुछ मिलेगा. आप आइए 27 मई को आइए देखिए सिनेमा थिएटर्स में. और जो यंग यूथ है यंग जो लड़के लड़कियां हैं कॉलेज स्टूडेंट गोइंग उन लोगों को तो ये मूवी ज़रूर आके देखनी चाहिए क्योंकि ये मूवी उन पर ही बेस्ड है. फैमिली ड्रामा भी ऐसे नहीं इसे हम सब लोग देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं अपने मम्मी पापा दादा दादी क्योंकि ये एक ऐसी ही मूवी है जिसे सब लोग इन्जॉय करेंगे. कॉमेडी मिलेंगे हंसेंगे फैमिली ड्रामा मिलेंगे रोएंगे. ये एक ऐसी मज़ेदार मूवी है जिसे देख के आपको बहुत मज़ा आएगा. और मैं इसके साथ ये बोलने वाली हूँ कि हम जो नए जनरेशन के लोग आते हैं बहुत दूर से आते हैं मुंबई अपना सपना लेके और हम लोगों को अनीस सर जैसे और हमारे प्रोड्यूसर जो संजय सर जैसे ऐसे लोग मिलते हैं और हम जैसे नए मतलब नई लड़कियों को नए लड़कों को चांस देते हैं उनकी तकदीर बनाते हैं. तो मतलब हम लोगों को साथ अगर उन्होंने दिया है तो उनका साथ से हमारी ज़िंदगी बन नहीं सकती. हमें आप लोगों के साथ की भी बहुत ज़रूरत है जैसे कि हमें मीडिया की ज़रूरत है वैसे ही हमें ऑडियंस की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए. अगर ऑडियंस ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं शायद जीवन में और आगे नहीं बढ़ पाऊँगी. मेरा सपना यही रह जाएगा. तो मैं मतलब आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आइए प्लीज़ दीजिए मेरा साथ दीजिए. एक नई लड़की जिसको इस मूवी में मौका मिला है ऐसे नए लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ताकि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे ही नए लोगों को और चांस दें.
उसके लिए मुझे लगता है कि ये मूवी सबको देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी है भी सबके लिए बनी, इसे बूढ़े से लेकर जवान तक सब देख सकते हैं और सभी इंजॉय कर सकते हैं। टाइटल है तीन शाने, काम क्या है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए किस तरीके के और भी स्टार हैं जो पहले से काम कर चुके हैं, जैसे देव देव हैं और भी लोग, किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा है आप कई लोगों के साथ काम करके, आपने इनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया तो किस तरीके का एक्सपीरियंस है? मुकेश खन्ना जी भी है इस मूवी में, आशा रानी जी भी है, राकेश बेदी जी भी है, विजय शिवजी जी है और प्रियांशु सर तो है ही, बहुत 90s के वो हीरो हैं, उनकी तुम भी उनके तो बहुत लड़कियां फैन हैं, आज भी वो इतने ज़बरदस्त दिखते हैं कि कोई भी लड़की बोले ओ माय गॉड, तो वो उस तरह की पर्सनैलिटी है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी इतने बड़े लोगों के साथ काम करके एक लड़की को प्राउड फील होता है कि वाह, मतलब मुझे अगर डेब्यू करने का मौका मिला तो इतने बड़े स्टार के साथ, वो मेरे लिए तो आई थिंक बाकियों का मैं नहीं बोल सकती, ये मेरा वो है कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए मैं मतलब संजय सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे इतने बड़े बड़े नॉन स्टार्स के साथ मौका दिया काम करने का, और आप लोगों का भी थैंक यू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों के बिना मुझे कोई जान नहीं सकता, आप ही है जो मुझे दूसरों तक पहुंचाओगे, उसके बाद दूसरे लोग मूवी देखने आएंगे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। स्टोरी टेलिंग है, सो संभल के रहना, ये हंसी रात है, ये हंसी जवाब है, सो आपको गाने के लिरिक्स बोल ही आपको सब कुछ जवाब दे देती है कि कहानी क्या है, और वो सावधान करती है बट लोग सावधान नहीं करते। मूवी की झलक कभी देखी है? हां, तो काफी अच्छा गाना है वो, तो क्या किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उसका? वैसा नहीं है, ये बहुत क्लासी और एलीट गाना है जिसमें हर स्टाइलिंग है, एक लड़की अलग अंदाजे में अपने आप को बयान कर रही है बेसिकली, बट द आउटफिट एंड द स्टाइलिंग और ये जो गाना इतना उभर कर आया है वो एक ही रीज़न है, हमारे डायरेक्टर सर इन लोग सब लोग ने और स्पेशली चिली पेपर सर ने ये गाने को ऐसे किया है और उन्होंने जो बोला है मैंने सिर्फ फॉलो किया उनके लिए, काफ़ी प्यार मिल रहा है गाने को। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, ऑब्वियसली ये मैंने काफ़ी गाने किए बट ये गाना काफ़ी अच्छा चल रहा है और आई एम लाइकिंग इट बिकॉज आई कैन से दैट आई एम अ स्टोरी टेलर एज वेल, सो या आई एम हैप्पी टू बी सीइंग दैट इट्स ग्रोइंग एंड इट ग्रोज एंड बिलियन सॉरी। मूवी के कास्ट के बारे में आपका क्या कहना है? मैं हीरोज को ही जानती हूँ, हीरोइन मेरे गाने में नहीं थी, सो उनका विलन के साथ ये गाना था और हीरोज काफ़ी अच्छे हैं, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन देयर सेल्फ, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे जॉनर की मूवीज की है, सो दे आर डूइंग गुड एंड आई थिंक दे आर हॉट एज वेल, क्यूट एज वेल। जी, जैसे एक्ट्रेस आपके साथ नहीं थी बट उनका ये डेब्यू है, उनके बारे में आपको क्या? मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, उनके मैं उसको जानती भी, उसका नाम भी नहीं जानती तो मैं कैसे बोलूँ? सो उनको कुछ बोलना चाहूँगी आप? I would say all the best for your debut movie. I hope it you do more better movies in your life. So 27 को ये finally release हो रही है, उसके बारे में audience को कुछ बोलना चाहूँगा? Please guys, Teen Shaane movie is releasing on 27th May in all over the theaters. Please go and watch it and give immense of your love and support to the my special director sir. Thank you so much. भाई
मिलता है। तीन छाने के बारे में मैं ये कहूँगा कि तीन छाने फिल्म 27वें सिनेमाघरों में आ रही है, आप इसे देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, इसके गाने बहुत अच्छे हैं और जो है एंटरटेनमेंट पैकेज है, आप देखेंगे तो बड़ा मजा। तो इसमें किरदार के बारे में बात करें तो क्या कुछ सीखने को मिलेगा? किरदार जो है आजकल के जो लड़के हैं इनके बेस है सब्जेक्ट, आज हम जो है बहुत कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और आज के बच्चों को जो है ना मस्ती करना, ये इनका लाइफ में जो है एक एम नहीं है कि यार मस्ती करो, जो अब टाइम है उसमें ऐसे हैं तो बाद में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इनके लाइफ में, क्या ये जो कास्ट केमिस्ट्री कैसी थी लोगों की? बहुत बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा काम किया। और एक बात मैं ये कहूँगा कि इसमें जो है ना हमारे इतने बड़े स्टार थे काफ़ी सपोर्टिव थे, बहुत अच्छा काम किया, किसी ने अच्छा काम किया। हाँ तो उन्होंने अच्छी मेहनत की, उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे? नहीं मैं बस आगे क्या कहूँगा कि मेहनत इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे मेहनत करूँगी। और एक गाना आया मूवी का, काफ़ी हिट हो रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना? बस गाने तो सभी पाँचों गाने सब कुछ हिट गाने बहुत अच्छे हैं, अभी चार गाने गाना बाकी सब गाने बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा कंपोज किया है, आप देखिए जाने फाइनली 27 हो रही है। आप सिनेमाघरों में देखिए, छोटे पर्दे में देखने से कॉमेडी का ये कोई चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगा, जब बड़े पर्दे पे देखोगे तो वो समझ में आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग आए और सिनेमाघरों में। थैंक यू सर। ईशान ने जैसे कि अभी पीछे से पहले डायरेक्टर हो गए हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, कॉमेडी कॉन्सर्ट है उसका, बहुत अच्छा गाने बहुत अच्छे लगते हैं और सभी गाने अलग अलग लगते हैं, आइटम में और क्लब सॉन्ग है और सूफी सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, सभी गाने बहुत अच्छे हैं। इन सब गानों के जो आज गाने सुने जा रहे हैं, सराहे जा रहे हैं लोगों द्वारा, तो इन सबके पीछे मेरी तो मेहनत है ही, मेरे को मेरे डायरेक्टर साहब अनिल जी की उनकी मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे अंदर से वो चीज़ें निकलवाई है इन्होंने भाई अपनी फिल्म के हिसाब से, तो उन चीज़ों का रिजल्ट यही रहा, बहुत अच्छे गाने बने। बाकी इंडेक्स म्यूजिक बड़े अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहा है गानों का और जिस हिसाब से ये कर रहे हैं उस हिसाब से लोग काफ़ी देख रहे हैं, उनको काफ़ी सुने जा रहे हैं गाने, हिट हो रहे हैं गाने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब भाई आपके मेहनत सफल, आपके आंखों के सामने सफल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और शब्बीर भाई की मेहनत है जो प्रमोशन इतना अच्छा कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, फिल्म बहुत अच्छी है, गाने बहुत अच्छे हैं, जिस हिसाब से अभी तक आप प्यार दे रहे हो सब, तो 27 मई को रिलीज हो रही है फिल्म, तो आपके आसपास के सभी थिएटरों में हो रही है, ऑल इंडिया हो रही है, तो देखने जाएँ अपने परिवार के साथ देखने जाएँ। और हाँ, ये फिल्म एक बिल्कुल फैमिली फिल्म है, कहीं से वैसे नहीं है, बिल्कुल फैमिली फिल्म है, पूरे फैमिली के साथ जाएँ और एंटरटेन करें और हमें भी आशीर्वाद दें, क्या करें। थैंक यू।